अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद बरोई और असद बरोई व्लॉग्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो है डॉग्स की स्किन के मुतालिक। और आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग्स की स्किन पर ज़ख़म हो जाते हैं और स्किन एलर्जी हो जाती है, और बहुत सारे एक्साम होते हैं इस स्किन एलर्जी के, जिसको हम ख़ारिज भी कहते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारे डॉग्स के जो है ना कि बाल गायब हो रहे हैं और डॉग्स गंदे हो रहे हैं। तो इसी तरह आज एक मेरे पास मेरे डॉग को एक प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका ट्रीटमेंट तो कर ही रहा था, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनाकर वो जो है ना कि दिखाऊं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना डॉग दिखाता हूँ। ये मेरा जो है चुहावा का मेल है, आपने देखा होगा और भी वीडियोज़ में। ये आप देखें, कैमरा मैन अगर जूम करके दिखा सकता है तो ये देखें, ये देखें ये एलर्जी है। ये देखें, ये नज़र आ रही है, ये एलर्जी है। ये अब बहुत कम हो चुकी है क्योंकि मैंने एक दिन इसका ट्रीटमेंट किया है, पहले ये बहुत ज़्यादा थी। तो आज मेरे जहन में आया कि मैं आपको भी ये दिखाऊं और आपसे शेयर करूं। तो व्यूवर्स, ये जो एलर्जी है इसका सिंपल सा एक ट्रीटमेंट होता है। मैं इसको सबसे पहले जो है कुनाज लोशन लगाऊँगा और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको छोड़ दूंगा वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं इसको पायोडीन स्क्रब से नहलाऊंगा और इसको मैं एक फ्यूसिडीन नाम की क्रीम आती है वो इसको लगाऊंगा। और एक बार नहलाने के बाद सबसे पहले तो इसको हम कुनाज लोशन लगाते हैं, और लोशन लगाने के बाद जो है इसको ड्रॉप करते हैं और फिर मज़ीद मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये कुनाज लोशन है, किसी भी मेडिकल से आराम से मिल जाता है। किसी भी आप मेडिकल पर जाकर कहें कि हमें कुनाज लोशन चाहिए तो आपको वो जो है कि दे देगा। तो ये इसका लगाने का तरीका ये है कि मैं अब इसको लगाने जो है ना कि जा रहा हूँ। ये इसको थोड़ा सा लेना है अपने हाथ में, और लेने के बाद इसको इसकी जो मुतासिर जगह है, जैसे ये है मुतासर जगह, इसको मुतासर जगह पे लगा देना है सही तरीके से। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसको कोई इससे तकलीफ़ नहीं होती। तो ये इस तरह देखें, इस तरह इसको लगा कर, ये जैसे मैंने लगा दिया है, इस तरह डॉग को लगा कर जो भी मुतासरा एरिया है बॉडी का, स्किन का, जहाँ पर आपको लग रहा है कि एलर्जी हो रही है या ज़ख़म हो रहा है या वहाँ से जो है ना कि बाल गायब हो रहे हैं, वहाँ पर ये लगाकर तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट आपने डॉग को छोड़ देना है। उसके बाद 10-15 मिनट बाद आपने उसको पिक करके, भी हम इंतज़ार करते हैं, मैंने इसको लगा दिया है और 10-15 मिनट इंतज़ार करेंगे इसका, ताकि ये जो है इसका असर इसको हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसको जो है ना कि पायोडीन स्क्रब से नहलाएँगे। तो इसका तरीक़ेकार यही होता है, अभी इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर इसको शावर देते हैं। व्यूवर्स देखें, ये जो एक स्किन एलर्जी है इसकी एक अलग एक्साम है, और जो जो है कि हेयर गायब होने लगते हैं और स्किन बिल्कुल गंजी होने लगती है वो एक अलग एक्साम है, वो भी ख़ारिश ही है। ख़ारिश के बहुत सारे एक्साम हैं। तो ये एक मेरे सामने आया था तो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये 100% जो है ना कि परफेक्ट तरीका है, इससे 100% डॉग ठीक होते हैं। मैंने बहुत सारे डॉग ठीक किए, मेरे पास जो भी प्रॉब्लम होती है मैं इसी तरह ट्रीटमेंट करता हूँ। आप भी चेक करिएगा अगर कभी भी प्रॉब्लम आए कोई भी, और आप सब व्यूवर्स का तकरीबन मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टेक्ट कर लिया करें। और इसके अलावा अगर किसी भी डॉग्स की किसी भी डिजीज़, किसी भी प्रॉब्लम के मुतालिक आपको कोई भी जो है ना कि नॉलेज चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें। और जैसे ही उस लेवल के उस डिज़ीज़ के मुताबिक कुछ ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास जमा होंगे तो मैं ज़रूर उस तरह की एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, ताकि आपको आसानी हो डॉग्स रखने में और ट्रीटमेंट करने में। और इसी के साथ साथ इसका टाइम पूरा हो चुका है, 10 से 15 मिनट इसको गुजर चुके हैं, तो चलते हैं इसको चल के शावर देते हैं। चलें जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम जो है इसको गीला करेंगे, और ये है पायोडीन स्क्रब। ये कैमरामैन को मैं कहूँगा कि इसको जूम करके ज़रा दिखाए। ये पायोडीन स्क्रब है, सबसे पहले हम जो है इसको गीला करेंगे डॉग को, इसको हम सही तरीके से पूरा गीला कर लेंगे। Oh,
ये तकरीबन जो है हमने गीला कर लिया है और उसके बाद ये पायोडीन स्क्रैप है, इसको हम ये पायोडीन स्क्रैप का तरीकेकार ये है कि ये पूरी बॉडी पे किया जाएगा। इसको हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ऊपर और साइडों पे और यहाँ पर, ये मुतासर जगह पर नहीं होगा, ये पूरी बॉडी पर होगा, डॉग की पूरी बॉडी पर। हम ये एक शैम्पू की तरह हम यूज़ करेंगे, जैसे हम शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू की जगह पर ये यूज़ करेंगे पायोडीन स्क्रैप। तो ये इस तरह हम मुतासरा जगह पर भी लगाएंगे और पूरी बॉडी पर लगाएंगे पायोडीन स्क्रैप। इसकी मेडिसन्स भी आती हैं, इंजेक्शन भी आती है, टेबलेट्स भी आती हैं, लेकिन 90% तो जो है ना कि इसी से ठीक हो जाता है ये। मैं बहुत कम इंजेक्शन्स और मेडिसन्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है कि इससे मेरे दोस्त को जो है ना कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और मैं इसी तरह ट्रीटमेंट करता हूँ, आप ट्राई करिएगा ज़रूर। जी हाँ, तो हमने इसको तकरीबन कंप्लीट जो है ये पायोडीन स्क्रैप लगा दिया है, और अब हम इसको करेंगे। अच्छा, कोशिश करिएगा हमेशा जब भी आप डॉग को जो है ना कि शावर देते हैं तो डॉग के जो है ना कानों में पानी ना जाए, ये बहुत ज़्यादा एहतियात करिएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ में, कानों में पानी जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके डॉग को। तो ज़रा पानी चलो, ये देखें ये शैम्पू की तरह ही है, इसको हम सही तरीके से शावर देंगे। और जब आप इसको फाइनली जो है कि शावर दें पायोडीन स्क्रैप के बाद, तो अच्छे से शावर देना है। इसके जो बाल हैं या जो इसकी स्किन है, इस पर जो है ना कि पायोडीन स्क्रैप बिल्कुल भी इसकी स्किन पे ना रहे, बिल्कुल जो है ना कि साफ़ हो जाए इसकी स्किन। हमने कंप्लीट इसको शावर दे दिया है, तो अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इसको हम अब थोड़ी सी देर जो है सूखने के लिए छोड़ेंगे कि ये थोड़ा खेलता रहेगा नीचे और सूख भी जाएगा इस दौरान। तो उसके बाद फिर हम इसको जो है फ्यूसिडिन क्रीम लगाएंगे। व्यूअर्स, तकरीबन जो है ना कि खुश्क हो चुका है ये जो डॉग है, तो इसको हम पिक करते हैं और इसको जो है कि फ्यूसिडिन क्रीम लगाते हैं। चले आए जी, देखें ये तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो ये क्रीम है, ये क्रीम हम इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, एक मिनट, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, और ये कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये फ्यूसिडिन क्रीम है। तो व्यूवर्स, ये तकरीबन यूज़ हो चुकी है मेरे पास, तो थोड़ी सी रहती है, इतनी हो जाएगी कि इसको लग जाए। ये जी तकरीबन ये यूज़ हो चुकी है, तो मैं इसको ये लगाऊंगा इसके मुतासर जगह पर। देखें इसी तरह लगाना है, ये इसकी मुतासर जगह पर लग चुकी है सारी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये सबसे पहले हमने कुनाज लगाना है, हमने कुनाज लगाया, कुनाज के बाद हमने जो है इसको पूरा शावर दिया, शावर देने के बाद हमने पायोडीन स्क्रैप इस पर शैम्पू की तरह यूज़ किया, बिल्कुल कंप्लीट लगाया, उसके बाद हमने इसको दोबारा शावर दिया, उसके बाद फिर हमने इसको खुश्क होने के लिए छोड़ा, खुश्क होने के बाद हमने फ्यूसिडिन क्रीम लगाई। तो ये सारा तरीका था इसका, और अब रेगुलर ये नहीं होगा, एक मरतबा ये हमने कर लिया, इसको शावर दिया पायोडीन, अब रोज़ाना एक मरतबा हमने जो है कुनाज लोशन और पायोडीन स्क्रैप इस पर इस्तेमाल किया और उसको शावर दिया, अब रोज़ाना हम ये गिर जाता भी मेरे हाथ से, तो अब हम रोज़ाना जो है ना फ्यूसिडिन इस्तेमाल करेंगे, सुबह शाम इसकी मुतासरा जगह पे लगाएंगे, 4 से 5 दिन में ये ठीक हो जाएगा, और ठीक होने की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंप्लीट ठीक हो चुका है।
तो इसके और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, इसकी मेडिसिन हैं, इसके इंजेक्शन हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये डिस्टर्ब हो रहा है तो चलो बच्चा। तो मेरी जो कोशिश है कि जो है ना कि मेरी जो कोशिश होती है वो ये है कि मैं इन पे इंजेक्शंस और मेडिसिन यूज़ ना करूँ। तकरीबन जो है कि मैं इस तरह के ट्रीटमेंट्स करता हूँ जब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मसला होता है जहाँ पर मुझे इंजेक्शंस और मेडिसिन या ड्रिपों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वो भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना करूँ। तो फ़िलहाल तो मैं यही ट्रीटमेंट करता हूँ। अगर किसी के पास कोई डॉग हो और बहुत ज़्यादा उसकी स्किन मुतासर हो और वह इससे कंट्रोल ना हो, वैसे तो हो जाता है, अगर कंट्रोल ना हो इस मेडिसिन से, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। इसके और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।